दोस्तों रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र की टीम के खिलाफ पहले दिन के खेल में सूर्य कुमार यादव ने छक्के चौकों की बरसात करते हुए टेस्ट मैच को T20 बनाकर जड़ दिया दोहरा शतक। ऐसी घातक बल्लेबाजी देखकर गेंदबाजों की भी छूटे पसीने, बॉलिंग करवाने से करने लगे मना। तो दोस्तों आखिर सूर्य कुमार यादव का तूफान MC क्रिकेट मैदान पर आया, वो सब आपको वीडियो में दिखाएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को शानदार बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि अभी एक तरफ जहां भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के बाद फारिग हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ रणजी ट्रॉफी में अब हम सभी को सूर्य कुमार यादव के बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में भी T20 जैसी पारी देखने के लिए मिली है। और दोस्तों मुंबई और सौराष्ट्र की टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले में मुंबई की तरफ से खेल रहे सूर्य कुमार यादव ने यहां दोहरा शतक लगाते हुए हर किसी को हैरान करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत होती है MCA क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां इस मुकाबले में मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक बार फिर से फैसला करते हैं। और शुरुआत में तो ये फैसला उनका बिल्कुल सही साबित होता है, क्योंकि मुंबई की टीम की तरफ से पृथ्वी शॉ और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की होती है। दोनों बल्लेबाज 50 रन जोड़ भी लेते हैं, लेकिन इसी बीच पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में मुंबई की टीम को लगता है, जहां यशस्वी जायसवाल 52 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट होते हैं। और यशस्वी के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरते हैं सूर्य कुमार यादव। हालांकि शुरुआती कुछ ओवर में तो सूर्य कुमार यादव काफी ज्यादा दबाव में दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि अगले पल ही इनका विकेट गिरने वाला है और ये ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य कुमार यादव फिर भी अपने आप को संभालते हैं और पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ा ही रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच मुंबई की टीम को दूसरा झटका पृथ्वी शॉ के रूप में लगता है, जब पृथ्वी शॉ 4 चौके 2 छक्कों की बदौलत 72 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और यहाँ पर पृथ्वी शॉ और यशस्वी जायसवाल के रूप में मुंबई की टीम को 2 बड़े झटके लग चुके थे और अब पूरा दारोमदार कप्तान अजिंक्य रहाणे और सूर्य कुमार यादव पर था कि आज के दिन का खेल समाप्त होने तक ये अच्छी साझेदारी जरूर निभाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो अजिंक्य रहाणे भी अपना विकेट गवा देते हैं, जो कि 42 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और अजिंक्य रहाणे के आउट हो जाने के तुरंत बाद ही सूर्य कुमार यादव, जो कि एक छोर संभाले हुए थे तब से जब पृथ्वी शॉ मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां उन्होंने उस दौरान तो अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, और अब अजिंक्य रहाणे के आउट हो जाने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया। और शतक पूरा करने के बाद तो सूर्य कुमार यादव कहां रुकने वाले थे, उन्होंने रणजी ट्रॉफी में शतक लगाने के बाद ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए, जहां टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने पूरी तरह से T20 मैच बना के रख दिया। और सौराष्ट्र की टीम के गेंदबाज चेतन सकारिया और कुशांग पटेल जैसे गेंदबाज भी ये सोचने लगे कि सूर्य कुमार यादव ने अगर यहां थोड़ी देर और बल्लेबाजी कर ली तो उनकी टीम का सुपड़ा साफ तो हो ही जाना है, और ऐसा होता हुआ भी नजर आया। जी हां दोस्तों, यहां पर सरफराज खान के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव ने मुंबई की पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा, जहां इस बीच सूर्य कुमार यादव ने पहले तो 150 रन मात्र 125 गेंदों में ही लगा दिए थे, और 150 रन बनाने के बाद तो सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया और देखते ही देखते वो दोहरे शतक के करीब पहुंच गए। हालांकि 187 रन के कुल स्कोर पर जब सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे तब एक मौका भी बना, जहां चेतन सकारिया ने सामर्थ व्यास के हाथों सूर्य कुमार को लगभग कैच आउट करवा ही दिया था, लेकिन वो गेंद नो बॉल चली गई, जिसके चलते यहां सूर्य कुमार यादव बच गए। और इसके बाद उन्होंने अपना दोहरा शतक यहां पूरा किया, जहां उन्होंने रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज मात्र 142 गेंदों में ही दोहरा शतक करने के मामले में अपने नाम ये रिकॉर्ड कर लिया। और वहीं हम आपको बता दें कि सौराष्ट्र के खिलाफ पहले दिन का खेल समाप्त होने तक सूर्य कुमार यादव ने यहां 213 रनों की पारी खेली और उनका साथ निभा रहे सरफराज खान ने 53 रन अभी तक बना लिए हैं। और 90 ओवर के मुकाबले में मुंबई की टीम का स्कोर 412 रन पहुंच चुका है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है सूर्य कुमार यादव के दोहरे शतक को देखने के बाद, और आप सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।